ठीक है, इसको हम यूज करते हैं फॉर द लेडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर जो
स्ट्रॉ, इट इज एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। कि पावर जनरेशन में हम किस तरह से इसको हैव यूज कर सकते हैं। इसमें बेटा हमारे पास बेसिकली हो रहा है फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है दैट इज फ्यूजन। फ्यूजन का क्या मतलब होता है कि किसी चीज का ब्रेक डाउन हो जाना। एक चीज जो है वो ब्रेक डाउन होकर डिफरेंट चीजों में डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। लाइक यू कैन सी ओवर हियर यूरेनियम 92, एटॉमिक मास 92 एंड द मास नंबर इज 235। यूरेनियम 235 आइसोटोप जो है, जब इसके ऊपर बेटा ये जो न्यूट्रॉन है इनको स्लोली बम्बार्ड करवाया जाता है, स्लोली इसके ऊपर बम्बार्डमेंट होती है यूरेनियम पे, तो ये जो है फ्यूजन रिएक्शन शुरू करता है, ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप में किसमें होता है, बेरियम क्रिप्टॉन एंड द 3 न्यूट्रॉन्स। अब बेरियम जो है स्टार्टिंग मास नंबर 139, क्रिप्टॉन 94, और इसमें जो है बेटा 3 न्यूट्रॉन हमारे पास आते हैं। अब ये जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। अब ये जो एनर्जी रिलीज करेगा ये क्या करती है बेटा, ये एनर्जी हम यूज कर लेते हैं कि दो वॉटर को सी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, ये एनर्जी जो यूरेनियम की यूरेनियम पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से रिलीज होगी, उस एनर्जी को स्टीम बॉयलर के अंदर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे। अब वही स्टीम जो हमने जो है एट द एंड ऑब्टेन की है, वही स्टीम क्या करती है कि टर्बाइंस को ड्राइव करती है, टर्बाइंस को ड्राइव करती है, चलाती है, उससे जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और एक यूजफुल पीसफुल मेथड है जिससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। सो देयर आर द पॉइंट, फर्स्ट वन वाज़ द रेडियो थेरेपी, इसमें हम मैक्सिमम कैंसर की बात की, अगर स्किन कैंसर है उसको किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं, इंटरनली जो है उसको किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। देन ट्रेसेस फॉर द डायग्नोसिस एंड द मेडिसिन, देयर आर 3 पॉइंट्स, प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर, आयोडीन 31 एंड द टेक्नीशियन। देन आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस, 2 पॉइंट्स फॉर देयर रेडियोएक्टिव आइसोटोप डेटिंग एंड द रेडियो कार्बन डेटिंग, और सिंपली वी कैन से राइट कार्बन डेटिंग। देन केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन, किस तरह से केमिकल रिएक्शन की मूवमेंट को चेक करते हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन करते हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस की जो एग्जांपल है दैट इज बेस्ट फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पॉइंट। आफ्टर दैट एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, पावर जनरेशन में किस तरह से होती है कि यूरेनियम पे जब हम न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाते हैं एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी जो है किसमें यूज हो जाती है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है और वही स्टीम की टर्बाइंस को ड्राइव करती है। तो ये था हमारा टॉपिक यूजेस ऑफ द आइसोटोप्स, आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।